नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी दोस्तों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी अगर जैसा मैं बताऊँगा वैसा आप करोगे। तो दोस्तों बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, मटकी जब हमारा ब्रीडिंग सीजन जब ऑफ होता है तो बहुत से भाई मटकियों को निकाल देते हैं और फिर उनके सामने काफ़ी मसले सामने आते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मटकी में बच्चे हैं तो उन बच्चों को मार दिया गया, या फिर अंडे हैं तो अंडों को बाहर फेंक दिया। दोस्तों हमको क्या करना है कि हमको अपनी कॉलोनी के अंदर से, कोई भी हमारी कॉलोनी है या केज है, हमारे चार पांच पेड़ यहाँ पर भी लगे हुए हैं, वहाँ से हमको बस उस पेयर को अलग कर देना है जो हमारा ब्रीडर पेयर है। मान लीजिए हमारे बच्चे, उस पेयर के बच्चे बाहर आ गए, सेल्फ हो गए, खुद से खाने लग गए, तो उस पेयर को हमें निकाल करके बाहर कर देना है ताकि वो दोबारा से ब्रीड ना कर पाए। क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है कि गर्मी आती जा रही है और काफ़ी गर्मी अब हो चुकी है, तो हमको अब पेयर को ही अलग कर देना है काफ़ी अच्छी तरीके से और पेयर की फिर अच्छी तरीके से हमें उसे खिलाना पिलाना है। क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो चुका है और मैं भी अपनी कॉलोनी में से कुछ पेयर पकड़ने आया था, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। क्योंकि बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, मटकियों को निकाल देते हैं, फिर उनके बाद में उनके सामने या तो उनके बच्चे मारे जाते हैं उनके दूसरे पेयर के, या फिर उनके अंडे फेंक दिए जाते हैं। दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है कि हमको मटकी को अगर हम बाहर निकालें तो दोस्तों हमें पेयर भी हाथों हाथ बाहर निकालना है। अगर आप मटकी को नहीं निकालना चाहते तो दोस्तों हमें सिर्फ पेयर को ही निकाल देना है और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। मटकी को फिर चाहे निकालें या ना निकालें। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्लान आ रहा होगा कि दूसरी जब फीमेल ब्रीड से हट सकती है तो वो भी उस मटकी में एग्ली कर सकती है। दोस्तों हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हम आप लोगों को पता है ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो रहा है और ऑफ हो ही चुका है क्योंकि लास्ट क्लच है जो भी है। तो हमको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी बच्चे अंडे हमारी कॉलोनी में से निकलें उन सबको चेक करते रहना है हमको ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना भी ज़्यादा चेक नहीं करना कि हमारा बर्ड डिस्टर्ब हो जाए। पर दोस्तों हमें इतना पता रहना चाहिए कि इसके इतने बच्चे हैं और इतने दिनों बाद बड़े होकर के सेल्फ हो जाएंगे, फिर हम इस पेयर को इतने दिनों बाद अलग कर देंगे। तो दोस्तों ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको अपनी कॉलोनी के अंदर से मटकी नहीं निकालनी है, हमको जोड़े को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको वो पेयर दिखाऊंगा जो मैंने अपनी कॉलोनी में से अलग किए हैं। तो प्लीज़ से इस वीडियो को एक लाइक से ज़रूर कर देना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वो वाली वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने इन सबको पकड़ करके, जितने ब्रीडिंग पेयर थे और पट्टे थे उनको पकड़ करके मैंने अलग किया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें आप एक ब्रीडिंग पेयर है, बाकी चार पीस पट्टे हैं, तो इसमें भी एक ही पेयर ब्रीड से हट चुका है, तो मैंने सोचा कि इस पेयर को अलग कर दूं और आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना दूं। और दोस्तों ये सामने वाला केज है उसी के में मैं इन सबको छोड़ने वाला हूं, तो उसमें छोड़कर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से छोड़ दिए। दोस्तों इस वजह से मैं आपके लिए पकड़ने वाली वीडियो नहीं बना पाया कि मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों आइए मैं आपको वो वाली वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने इन सबको रिलीज़ कर दिया है इस केज के अंदर, तो आप देख ही सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करें बगैर मत जाइएगा, तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भाइयों की हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।